इमरान खान ने एक बार फिर पाकिस्तानियों की नाक कटवा दी। खबर के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ईरान दौरे पर हैं। वो वहाँ ईरान के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते करने गए हैं, लेकिन समझौते से पहले ही उन्होंने अपने सामान्य ज्ञान से पाकिस्तानियों की भयानक बेइज्जती करा दी। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ऐसी बात बोल गए कि सभी लोग स्तब्ध रह गए। जी हाँ, पाकिस्तान के वजीर आजम को लगता है कि पूर्वी एशियाई देश जापान की सीमा यूरोपीय देश जर्मनी से लगती है। इमरान खान के अनुसार जापान और जर्मनी की सीमा एक दूसरे से लगी हुई है। उन्होंने कहा, आप एक दूसरे के साथ जितना अधिक व्यापार करते हैं, आपके संबंध अपने आप मजबूत होते चले जाते हैं। जर्मनी और जापान ने दूसरे विश्व युद्ध तक एक दूसरे के लाखों नागरिकों की जान ली, लेकिन इसके बाद दोनों ने अपने बॉर्डर एरिया में ज्वाइंट इंडस्ट्री लगाने का फैसला किया। बता दें, इमरान खान फ्रांस और जापान में कंफ्यूज हो गए। असलियत में दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और फ्रांस ने एलएसी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक और सैन्य सहयोग बढ़ा था। अब अगर एक देश का प्रधानमंत्री इस तरीके का बयान देगा तो हैरानी तो होगी ही, लेकिन लगता है कि पाकिस्तानी आवाम को अपने प्रधानमंत्री के बुद्धि कौशल पर पूरा भरोसा था। तभी तो उन्होंने इस बयान के बाद हैरानी नहीं जताई, बल्कि अपने प्रधानमंत्री की अच्छे से क्लास ले ली। सबसे पहले मैदान में कूदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, जिन्होंने ट्विटर के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करवाई। वो लिखते हैं, हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं कि जर्मनी और जापान की सीमाएं मिलती हैं। कितना शर्मिंदा करने वाला है। ऐसा ही होता है जब ऑक्सफोर्ड में लोगों को सिर्फ इसलिए प्रवेश करने दिया जाता है क्योंकि वो क्रिकेट खेलना जानते हैं। चलिए, ये तो बात हुई विपक्षी दल के नेता की। अब वो तो सत्ता पक्ष के नेता की खिंचाई करेंगे ही, लेकिन आपको बता दें कि इमरान को तो उनकी आवाम ने भी नहीं छोड़ा। उनकी इस बड़ी चूक के लिए उन्हें अच्छे से धोया गया। एक पाकिस्तानी यूजर ने तो उन्हें झूठा करार दे दिया। उन्होंने लिखा, सी ग्रेड ही होता है, चाहे आप ऑक्सफोर्ड से ही क्यों ना पढ़ें। इस शख्स ने पिछले 10 सालों में इतने झूठ बोले हैं कि इनका दिमाग अब एक नया इतिहास रचने लग गया है। ये एक दूसरी ही दुनिया के प्राणी है। अब वैसे तो एक प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की बातें कहना शोभा नहीं देता, लेकिन लगता है कि इमरान खान ने बड़ी मेहनत के बाद ये दर्जा हासिल किया है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में इतनी गलतियां की हैं कि अब पाकिस्तान की जनता भी उनसे परेशान हो चली है। याद दिला दें कि इमरान खान ने तो पिछले साल दिसंबर में भी एक ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अफ्रीका महाद्वीप एक उभरता हुआ देश है। जाहिर सी बात है, जब कोई प्रधानमंत्री ये बेवकूफी भरे बयान देगा तो जनता तो पूछेगी ही कि कहीं प्रधानमंत्री जी की भूगोल कमजोर तो नहीं है। अब ऐसा हम नहीं बल्कि एक यूजर ने लिखा है। यूजर के अनुसार पीएम इमरान ने कहा कि जर्मनी और जापान की सीमाएं एक दूसरे से लगती हैं, प्लीज इन्हें कोई भूगोल पढ़ाओ, हम कब तक ट्रोल करें। वैसे लगता है इमरान खान भूगोल में ही कमजोर है, तभी तो पूरे समय कश्मीर का मुद्दा अलापते रहते हैं और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताते रहते हैं। अब यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की आवाम अपने प्रधानमंत्री को समझाए कि कश्मीर भारत का हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा हमेशा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।